डर गई थी बहुत कि बाबी का भूत कहाँ से आ रहा है। इसका बिल मैं पे करने वाली हूँ। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। एंड अब बज रहे हैं सुबह के 4:25 और मैं उठ चुकी हूँ और आज हमने निकलना है लुधियाना से दिल्ली के लिए। तो अब मैं उठाने वाली हूँ इनको, पीछे से इतने खरांटे आ रहे होंगे, आप सब सुन रहे होंगे। सोते सोते मुझे बज गए थे 1:30 से 2, कुल मिला के पता नहीं कितने घंटे सोई हूँ। तो अब उठते हैं फटाफट एंड रेडी होते हैं। इतनी सुबह सुबह क्यों रेडी हो रहे हो? हम जा रहे हैं नीरू के डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए? हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। नाक से क्यों? हम जा रहे हैं नीरू के, क्या था, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज मैंने वीडियो स्टार्ट की है, बिकॉज सीजन चल रहा है तो उधर भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, हमेशा लाइट मुझे धोखा देती है। और मैंने अभी उठ के पैकिंग की है, तो अब हम बिल्कुल हो चुके हैं दिल्ली के लिए रेडी और हम जा रहे हैं आज दिल्ली, और आपके साथ भी हम पूरा दिन शेयर करेंगे। चलते हैं अब हम, और बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा। सुबह सुबह इतनी सुबह मुझे भूख लग रही है। भूख लगी तो कचौरी पड़ा है, वो कचौरी नहीं खाना मैंने। और बहुत अंधेरा है। गेट गेट मम्मी है अभी इधर। कैसा लग रहा है आज उठ के? आज उठ के क्या, रोज ही ऐसे करना पड़ता है। 4 बजे का लगा अलार्म, उठो 2:30 बजे। अलार्म का क्या फायदा है? अलार्म का फायदा है, चलो बैठो। पहुँच चुकी हूँ मम्मी के घर और यहाँ से पिक करना है अपने सिस्टर को। सबसे पहले शी इज रेडी। हेलो, वेयर इज माय मॉम? मम्मा सो रहे हैं। सो रहे हो अभी? बाय मम्मी। बाय। ओके तो गाइस, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। इसको कर लिया हमने पिक, एक लड़की ने मुझे दे दिया धोखा, मेरे सामने वाली घर में रहती है। हमारी एक गुड़िया और आ चुकी है, और देखो कितने सारे ये अमरूद लेके आई है मेरे लिए। कच्चे है ना? कच्चे और पके, आधे कच्चे आधे पके। पके में तो कीड़े का डर, इसके घर में है कीड़े का डर होता है, पके में तो बहुत सारे नहीं। इसके ओरिजिनल वो है, ये अमरूद है ना, पेड़ लगे हुए ना। अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है ना। तो मेरे को दे सकते हो आप खाने के लिए, मैं खा सकता हूँ। कुछ लेके आना, लेके वॉश करके ना, बहुत टेस्टी है ना। तो हम सब ने किया अमरूद पे अटैक। हम पहुंच चुके हैं राजपुरा और हमने करा लिया है टैंकी फुल यहाँ से, और मैं सो के उठ चुकी हूँ। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर चाय पीने, और हमारे आने से पहले स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। हमारा वेट नहीं कर सकते चाय के लिए। चाय तो आ रहा है। अरे क्या खा रहे हैं? चिप्स। तो गाइस यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक और ये। तो अभी भी इसने मुझे पूछा कि हम दिल्ली पहुंच गए, मुझे पता नहीं था, ऐसे मैंने कर दिया। तो उसने अपने जीजू को पूछा, ये मेरे को यहाँ पे बेइज्जती कर रही है, फिर ये पता पुता है नहीं, बस बोल देती कि हाँ पहुंच गए। तो चाय खत्म हो जाएगी। एक ही ढाबा देखा है जिसमें इतना बड़ा हमने गिलास देखा है, चाय खत्म हो गया। नहीं तो चाय का गिलास का सही ये होता है। ये ढाबे में बैठ के चाय पीना बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है? सभी को पसंद है। फ्री में मिला हुआ चाय सबको पसंद है। अच्छा, इसका बिल मैं पे करने वाली हूँ। बिल्कुल। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तो ब्रेड टोस्ट नहीं आए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उठो यहाँ से, चलो। नीरू के साथ बैठे, चाय खत्म हो गया, अब टोस्ट आने वाला है, फिर दोबारा चाय मंगाना पड़ेगा। चलो उठो यहाँ से, चलो चले। पहुंच चुके हैं दिल्ली, और 3 किलोमीटर के लिए हमने लगाए हैं 2 घंटे। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक। तो हम पहुंच चुके हैं लिफ्ट में। और हम जा रहे हैं अपने रूम में।
हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में और हम अब होने वाले हैं फ्रेशन अप। ये तो आते सारे ही बैठ गई है। ये तुम क्यों नहीं बैठी हो? और यहाँ पे चल रहा है टीवी और ये आते सारे, ये देखो इनका हाल, ये ऐसे कौन करता है? कोई भी नहीं, थका हुआ भाई, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। और यहाँ से हम देख सकते हैं आउटसाइड की लोकेशन। अब मैं नहाने जा रहा हूँ और मैं रेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज 2 बजे मेकअप स्टार्ट करने हैं। तो मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए चप्पल, ये मिला है मुझे, और मैं नहाने जाऊँगी तो ये पूरी तरह गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी अपने कपड़े जो हैं कैसे आयन करूँ, तो मुझे मिल गया इधर आयन, इधर आ इधर इधर। और ये टेबल भी है, इसके साथ मैं इसके साथ प्रेस कर सकती हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता था, मैं कल गई थी दिल्ली और मैं आज अपने घर में कैसे दिखाई दे रही हूँ, ये पूछते हम अपनी मम्मी से। ए, कोई भी जाती है ना टिकती है नहीं, 18 घंटे गाड़ी चला के मेरे बेटे थक गया था, वो अभी उतर भी नहीं पाया। वहाँ होटल का रूम बुक था, वो होटल को रूम बुक छोड़ के भी रातों रात पहुँच गई यहाँ सैलून के लिए, कोई जाके टिकती है नहीं। मम्मी आपको पता, आप तो थकती थकती है दूसरों को भी बेचारे को थकाती है लड़कियाँ को। नहीं तो बात ऐसी है गाइस, बात ऐसी है कि मतलब मैं गई वहाँ पे, ना? जाने वाली थी ये आगरा ताजमहल देखने, पर पे देखी नहीं ताजमहल। देखो यहाँ एक बुकिंग आ गया तो दौड़ के आ गई रातों रात गाड़ी चला के। बात ऐसी मम्मा कि मतलब मैंने कुछ बुकिंग जो है वो मैंने कैंसिल की थी, और कल ना जब मैं वहाँ पे मेकअप कर रही थी तो वहाँ पे मुझे कॉल आया कि मैम हम ना कल कितने बजे आए, हमारा 4 बजे का रेडी टाइम है। मैं मुझे वहीं पे लग गया शॉक, और जिन्होंने हमारा वो रूम वगैरह सब कुछ जो बुकिंग था हमारा वो सब कुछ हम कैंसिल करके आए हैं, और हमने उनको बोला हमें आज जाना पड़ेगा, एमरजेंसी हो गई। और काम ख़त्म करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं रात को 9 बजे और हम घर पहुँचे हैं सुबह 5 बजे, और मैं बिल्कुल उठ के रेडी हो चुकी हूँ और मैं फ्रेश भी दिख रही हूँ फ्रेश। तो अब मेरे पति देव जो है अभी उठे नहीं है, तो मैं अब रेडी हो चुकी हूँ सैलून के लिए। अब चलते हैं सैलून और करते हैं काम, और जो रात का जो सीन था 12, 1, 2, 3 बजे का, वो मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई बिकॉज इतना हम टायर्ड थे, सारे ऐसे लुड़के पड़े थे, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। तो आप कैसे घबराए थे सुबह? मम्मी तो ना जाली में से देख रहे थे, गेट खुल गया पर जाली में से देख रहे थे। हमें तो एक पसंद भी नहीं था कि इन लोग आने वाले हैं, आ गए हैं और गेट खड़का सुबह। शुक्र करो हमारे पास चाबी थी कार में, इतनी रात को कौन आ गया और बिना कुछ गेट खोला। फिर मैंने वो बड़े बेटे का आवाज सुनी ना बाहर से, जब वहाँ गई तो आवाज सुनी, तो फिर मैं गेट खोलने गई तो ये खोल चुके थे क्योंकि गाड़ी में चाबी थी। आप भूल के आए थे उस दिन, आप काम आ गया। डर गए थे आप बहुत? मैं तो डर गई थी बहुत। मैं भी डर गई और मैं छोटी बेटी भी डर गई उसको तो कि भाभी का भूत कहाँ से आ रहा है। आने वाले तो नहीं है रात को, पता नहीं मेरे को क्यों सपने में बुला रहे। वो भी डर गई, अचानक ही उठ गई। पर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि सुबह दरवाजे खुलेंगे हमारे रूम के। सुबह उठ के आंस रही थी कि कहाँ से भाभी का भूत आ गया, बोले तो सास बोल भाभी आई थी। तो चलते हैं आप सैलून के लिए, मिलते हैं शाम को। बाय बाय मम्मा, बाय बाय, हाई फाइव। फाइनल गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर, अब हम सोने लगे हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।